बहुत ही मान सम्मान के योग पूरे हरियाणा से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, उस भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान बच्चों और मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी ताकत, मेरी मातृशक्ति जो बहुत अधिक संख्या में आई हुई है, पूरा सम्मानित मंच जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष, सभी जिला प्रधान और पूरा, एक बार मैं कहूंगी, पूरा सम्मानित मंच, जिनको टिकट्स मिल गई वो कैंडिडेट्स, क्या इकट्ठा होने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हरियाणा के एक एक कोने से आए हुए इस खड़ी रैली, नाम दूंगी मैं इसका खड़ी रैली, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए 5 साल हो गए, एक एक व्यक्ति इन 5 सालों में इनके कुशासन से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। आज ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि इतनी भारी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि बहुत लंबा चौड़ा ना बोल के मैंने हरी चुनरी चौपाल जो शुरू की थी, मैं माताओं के लिए कहूंगी कि मेरी जुगलाण से जो कारवां शुरू हुआ था वो 56वीं हरी चुनरी चौपाल जो है वो सिसाए गांव में मैंने की है। मैं मातृशक्ति से मिली हूँ और मातृशक्ति ने मुझे 3 बातें जो है वो बहुत हर जगह 56 के 56 उनमें कही है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैं कहूंगी कि मेरी माताओं ने मुझे कहा है बेरोजगारी की। आज के दिन हर घर में नौजवान बच्चे, एक नहीं 4-4 बच्चे जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, मैं पूछना चाहूंगी कि कहां गए वो 2 लाख बच्चे। आज सिर्फ डी ग्रुप की नौकरी लगा कर ये वाई लूटने का काम कर रही है। मैं मातृशक्ति ने मुझे एक और काम कहा था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने हरियाणा को डिजिटल हरियाणा बना के छोड़ दिया, मैं उनसे पूछूंगी कि जिन माओ के सिर पे 2-2 घड़े पानी जो लेकर आती है, कहां गया वो डिजिटल इंडिया। और एक बात और मेरी मातृशक्ति ने मुझे सबसे ज्यादा हरी चुनरी चौपाल में कही है, वो ये कही है उन्होंने कि बेटा ये शराब के ठेके गांव से बंद करवा दो। तो मैं दुष्यंत से कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सिर से घड़ा उतरवा दे। मेरी मातृशक्ति से कहने पर ये शराब के ठेके जो है वो गांव से बाहर करवाने का काम करो दुष्यंत। ये माओ की आवाज है, ये माओ का आदेश है, ये आपको मानना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, पर मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ताएं जो है वो बोलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगी एक बार फिर कि इस खड़ी रैली में आने के लिए पूरे हरियाणा वासियों का, एक एक मेरी मातृशक्ति का, एक एक मेरे बड़े बुजुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए।